और बनियान पे अरे कल मैं छीन का हाँ छीन में पहचान तो खूब रहे थे हाँ अब बिना डाउट न जाए। अच्छा 3 लाख फॉलोअर वाला आदमी चड्डा और टी शर्ट पहन रहा और एक कमेंट आया भाई मिस्टर फैक्ट्स ड्रॉप 6 के नाम से जिसके 101,000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। तो उनका कमेंट आया भाई का कि भाई आप अपने मम्मी पापा को ब्लॉग में क्यों लेके नहीं आते हो, मम्मी पापा के साथ ब्लॉग बनाओ। और गाड़ी पे बैठे पीछे स्कूटी पे आज अपने गुरुजी गाड़ी चला रहे। उनकी मम्मी से पूछा था कि आंटी जी आप कहाँ से, वो बोलती होशंगाबाद से। तो भाई होशंगाबाद से है वो और होशंगाबाद के लोग भी अपना ब्लॉग देख रहे हैं। भाई मम्मी जी को, पापा जी को, एक मेरी बहन को और मेरा घर, ये 4 पॉइंट मेरे रेबल होने के लिए बचे हुए हैं। जय राम जी की दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है आपके अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज तो भाई 5 बजे 4:45 बजे घर से बाहर निकला मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, घर से बाहर ही नहीं निकला। तो निकल के घर से और मैं चल रहा हूँ विद्यालय। विद्यालय से फ़ोन आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि आज आया नहीं विद्यालय, तो चलते हैं अपन विद्यालय के अंदर। अब आ चुके हैं भाई, देख लो विद्यालय आ गए, चलते हैं विद्यालय के अंदर। वो कहते हैं ना किस्मत इतनी ख़राब होती है, कहीं भी जाओ तो किस्मत साथ नहीं देती है। ऐसा ही हुआ, जैसे ही मैं घर पर था तो घर पर भी लाइट जा रही थी बार बार, तो उससे छुटकारा पाने के लिए अपन विद्यालय आए थे, क्योंकि विद्यालय में भी बढ़िया अच्छे एक नंबर कूलर रखा हुआ है, तो उसकी ठंडी हवा लेने के लिए आए थे। जैसे मैं विद्यालय के अंदर एंटर हुआ तो लाइट भी चली गई भाई। अब विद्यालय से बाहर आ गए, यहाँ लग रही ठंडी ठंडी हवा एक नंबर। आ भाई गर्मी में यही साथ दे रही है, बाकी कूलर पंखा कुछ साथ नहीं दे रहा, क्योंकि भाई लाइट चली जाती है ना, तो ये देसी हवा ये थोड़ी ना लाइट जाएगी, ये तो परमानेंट हवा देंगे। इनको बचाओ, पेड़ों को बचाओ, यही काम देंगे भाई आगे तक। कूलर पंखा कभी नहीं देंगे, क्योंकि भाई लाइट चली जाती फिर कर लोगे, इसीलिए पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है भाई। अब आप हवा ले लें अपन देसी वाली ठंडी ठंडी। फाइनली फ्रेंड्स, अब बैठ चुके हैं अपन गाड़ी पे और गाड़ी पे बैठे पीछे स्कूटी पे आज अपने गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं। और आज चल रहे हैं अपन घूमने के लिए, क्या पता कहाँ चल रहे हैं, गुरुजी ने हमें बताया नहीं कहाँ ले जाना है घूमने के लिए। तो गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, देखो। फाइनल फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं अपन ग्राम कड़ेली। और कड़ेली का ये दिव्य मंदिर देखो आप, हनुमान जी महाराज जी का संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। जय हो हनुमान जी महाराज की, जय 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 श्री राम। तो ये कड़ेली आए थे और नौनिया बरेली भी घुमाए, नौनिया बरेली का हम ब्लॉग नहीं बना पाए जल्दी जल्दी में, और ये घुमा देखो शाम का कितना अच्छा सुहाना सा लग रहा है नज़ारा। तो अब चलते अपन यहाँ से निकलते हुए घर, घर चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं। गाड़ी चालू हमने नहीं करी, आपने करी, चलो चलते हैं भैया अपन। अब यहाँ से घर जा रहे हैं या फिर जहाँ भी जा रहे हैं हम बताते हैं आप। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब हो चुकी है रात, रात को आ गए हम साहू जी के साथ देवरी। साहू जी भी हैं हमारे साथ और ये बुलेरो है, बुलेरो पहचानी पहचानी लग रही होगी अपने आशुतोष भैया। क्या हवा बहुत तेज चल रही है, देखो भाई इतनी गर्मी में आशुतोष भैया लोग कैसे खड़े हैं। अभी हवाएं चल रही है थोड़े, आशुतोष भैया यहाँ फिर उनसे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। अब यहाँ आए देवरी में दलसा महाराज जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे एक बंदा और घुसा हुआ है इसमें, देखो कौन है। अरे दिखाई नहीं रहो, तू दिखा दे फ्लैश जला तनक दे दे। हाँ तू जला, नहीं जलेगा ये तो देखो तनक तनक। हेलो दोस्तों, हाय गाइयों, मतलब सॉरी मेरे भाइयों लोगों भाइयों लोगों भाइयों और उनकी बहनों और हमारी प्रिय भाभियों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब भाव में जान दे यार, जो भी हो तो लाल बटन दबा दो भैया। हाँ। अबे हमें यार नींद कहाँ है, अपन अबे कहाँ है, दिखा तो देवरी से। हाँ देवरी में है भाई, जो ढाबा पे लिखो है, जो देवरी में है, मेरा पड़ा देवरी में है। देखो जी भैया खड़े, आज भैया खड़े भाई, बहुत यूनिक लग रहा है ये देखो। अब चल रहे अपन दलसा महाराज जी के दर्शन करेंगे। फ्रेंड्स अब आ चुके हैं अपन अपनी मंजिल पे दादा जी के दरबार में। ये देखो गेट खोल रहे हैं खटाखट, स्वयं साहू जी निकल रहे हैं। ये अल्लू अर्जुन, वो देखो राके अल्लू अर्जुन निकल आए। मुझे कैसा भाई दिखाई नहीं रहा मन वालों, ये देख लो आंसू भैया, आंसू भैया निकल के आ रहे हैं। ये देख लो सुपर स्टार बनियान पे चड्डा और बनियान पे। अरे कल मैं छीन का हाँ छीन में पहचान तो खूब रहे थे हाँ, अब बिना डाउट ना जाए। अच्छा 3 लाख फॉलोअर वाला आदमी चड्डा और टी शर्ट पहन रहा है, हमने जमा ही नहीं।
मैं कह रहा हूँ जो है ही नहीं है रेगुलर मतलब प्रॉपर हाँ थे जाना था मतलब कोई के थ्रू जान रहे थे वेद कह लगे हाँ ठीक भैया बाकी बेचारे अब देख मोनिया भी नोटिस करा घर के जा रहा है भाई संग घर के है मोनिया देखे जाए बड़े देख रहे हैं जाए बड़े देख रहे जो है कौन गई और बिना विश्वास ने हमें जो कैसे हम चप्पल पहने थे हमें ऐसे बस चड्डा वड्डा और एक टी-शर्ट बस जी चले गए कई बार कहे तो सिंपल 3 लाख वालों और यार हाथ पौंद लेंगे अपन भी क्या बात ए नले नहीं चल रहे अरे भारी घन करते चल भाग टैलेंट से चला बड़े देर में चलो अपन आ चुके हैं भैया दादा की दरबार में तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है दरबार तेरा दादा जन्नत का नजारा है बोलो दादा जी महाराज की जय हो भैया अपन ने कर लिए दादाजी के दर्शन जय श्री दादाजी चलते हैं अपन यहाँ से उदयपुरा जाके बात करेंगे अपन तो फाइनल फ्रेंड्स अब आ चुके हैं अपन उदयपुरा और जलसा दादाजी के दर्शन करें बहुत अच्छा लगा सुकून मिलता है भाई एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से प्राप्त होती है तो दर्शन करा अपन पॉजिटिव एनर्जी लेके आ गए अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग भी वायरल होंगे और रील भी वायरल होंगी ये अपना मानना है भाई और हमारे साथ जो जो हो रहा है मतलब इतना अच्छा हो रहा है भाई कि आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि इतना मैंने सोचा नहीं था आज मैं जैसे ही घूमने के लिए गया था यहाँ वहाँ घूमने के लिए गया था आपने देखा ब्लॉग में वहाँ से जैसे ही आया माता मंदिर विद्यालय गया विद्यालय के अंदर गया तो वहाँ से आके देखा दो आंटी जी खड़ी थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी छोटी थी मतलब वो होगी 7-8 साल की होगी बच्ची तो वो बाहर खड़ी थी वो बोल रही थी आंटी जी ये आपके इंतज़ार में खड़ी है 10-15 मिनट से मैंने बोला क्यों बोलती हैं कि ये लड़की आपका ब्लॉग देखती है भाई बहुत अच्छा लगा मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मतलब इतनी खुशी हुई मुझे देख के सुन के उससे कि भाई इतने इतने से बच्चे मेरे ब्लॉग देखते हैं भाई अच्छा लगता है और मैं ब्लॉग नहीं बना पाया उसका भी अब गलतियाँ हो जाती हैं भाई अगली बार जो भी मिलेगा मैं ब्लॉग जरूर बनाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि भाई जो मुझे प्यार देते हैं मुझे सपोर्ट करते हैं उनको मैं ब्लॉग में बताऊं ये मेरा एक रहता है कि भाई जो मेरे को सपोर्ट करते हैं उनको मैं ब्लॉग में लेके आऊं जो मुझे बोलते हैं तो वो बच्ची को मैं नहीं बता पाया सॉरी और वो बच्ची से थी कहाँ की थी मैंने उनकी मम्मी से पूछा था कि आंटी जी आप कहाँ से वो बोलती होशंगाबाद से तो भाई होशंगाबाद से हैं वो और होशंगाबाद के लोग भी अपना ब्लॉग देख रहे हैं भाई क्या कहें भाई दिल को सुकून मिलता है और एक कमेंट आया भाई मिस्टर फैक्ट्स ड्रॉप 6 के नाम से जिसके 101,000 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे तो उनका कमेंट आया भाई का कि भाई आप अपने मम्मी पापा को ब्लॉग में क्यों लेके नहीं आते हो मम्मी पापा के साथ ब्लॉग बनाओ ये कमेंट आया भाई तो उनका मैं जवाब देना चाहूँगा भाई कि मम्मी पापा ही को अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता ये मैं यही तो सोच रहा था भाई 1-1.5 साल से ब्लॉग बना रहा था भाई जनता इतनी सोई हुई क्यों है मतलब आप पूछते क्यों नहीं हो भाई क्यों मम्मी पापा को क्यों नहीं बता रहा मेरा घर क्यों नहीं बता रहा मैं ऐसे ऐसे घूम के बना रहा हूँ मैं यही तो सोच रहा था कि भाई कोई जवाब दे कोई पूछे कि भाई क्यों नहीं बताते अपनी मम्मी पापा को भाई इसलिए नहीं बता रहा मैं क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा और ज़्यादा वायरल होना चाहता हूँ पहले थोड़ा सा वायरल हो गया फिर उसके बाद मम्मी पापा को रिवील करूँगा ये भी एक मेरा पॉइंट है मेन पॉइंट ये 3-4 बचा के रखे मैंने मम्मी जी को पापा जी को एक मेरी बहन को और मेरा घर ये 4 पॉइंट मेरे रिबल होने के लिए बचे हुए हैं तो ये रिबल करूँगा बहुत जल्दी रिबल करूँगा धीरे धीरे करके एक एक करके रिबल करूँगा सबसे पहले तो मेरा हाउस रिबल करूँगा बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर मेरा हाउस रिबल करने वाला हूँ भाई तो आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ऐसे ही भाई साथ देते रहें डेली ब्लॉग डाल ही रहे हैं आप देख रहे हैं तो जब तक नया ब्लॉग नहीं आता जब तक के लिए जय राम जी की।